एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की चाट फ्रेंड्स, और एकदम सादा सिंपल बनेगी बिल्कुल 5 मिनट में। और पहले हमने बताई थी मटर की चाट, जो हमने पिछली सर्दियों में बताई थी वो कढ़ाई में बताई थी, आज हम बताएंगे फ्रेंड्स कुकर में। कुकर थोड़ी टाइट मटर है तो जल्दी भी बन जाएगी और अच्छा टेस्ट भी आएगा, इस तरह से हम कुकर में बता रहे हैं। आ जाइए मेरे साथ आप लोग किचन में, चलिए बनाते हैं मटर की चाट। हम बना रहे हैं बेटा, हमने क्या बोला था बनाने के लिए? मटर की चाट। हाँ, तो हम बना रहे हैं अपनी आराध्या के लिए मटर की चाट। हाय बोलो फ्रेंड्स, हाय बोलो। तो चलिए मटर की चाट हम लाते हैं 5 मिनट में बना के, और आप पार्ट के साथ खेलो जब तक वीडियो शूट कर लें। आप लोग भी बनाते हैं और खाते देखना। तो फ्रेंड्स हमने कुछ सामान ले लिया है मटर की चाट के लिए, ये देखो 1 से 1.5 किलो हमने जो मटर हमारी टाइट हो गई थी तो उसी की बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये इसको हमने छील लिया है, धुल भी लिया है, तो मटर को जरूर धुलें। आजकल थोड़ी आती है दवाई लग रही है मटर में, तो इसको धुलना बहुत जरूरी है। तो हमने 2 पानी में इसको वॉश कर लिया है। ये हमने 1 चम्मच जीरा ले लिया है फ्रेंड्स, ये धनिया खूब सारा काट लिया है, ये लहसुन 5 है, ये 5 चौक मिर्चा काट ली है, टमाटर और ये लहसुन, ये आप नमक काट लिया है सॉरी फ्रेंड, ये हमने नमक को लगभग 1 स्पून रख लिया है, 1 टीस्पून। ये है अदरक, तो ये मान लो पूरी हमारी दुकान सज गई है। हाँ एक कमी है इसमें, हींग, हींग को भी रख लेते, हींग हम फ्रेंड्स भूल गए थे। तो फ्रेंड्स हम जीरा के साथ इसमें हमने हींग भी डाल ली है, 2 चुटकी फ्रेंड्स हींग जरूर डालें, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है और स्वाद भी अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने एक कुकर में थोड़ा सा हमने डाल लिया है 1/2 कप सरसों का तेल, तो आप लोग सरसों के तेल में ही बनाना क्योंकि फायदेमंद भी होता है सरसों का तेल और सेहत के लिए सही रहता है। तो अब हमारा तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, तो फ्रेंड्स हमारा सरसों का तेल जो कि गर्म हो चुका है, अब हम डाल लेते हैं 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जीरा डालने के बाद अब डालेंगे फ्रेंड्स हम लहसुन को, तो लहसुन हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम डालेंगे फ्रेंड्स किसा हुआ अदरक, और यहीं पर डाल देंगे हरी मिर्चा 5 चौक, और ये सब भुनने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो फ्रेंड्स थोड़ा मसाले को पका लेते हैं, और अब हम डालेंगे, अब हम डाल देंगे फ्रेंड्स टमाटर को जो कि हमने पहले से कट करके रख लिए थे। तो टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स, बस 2 मिनट लगेंगे, टमाटर भी पक जाएगा अच्छे से। और इधर फ्रेंड्स हमारी आराध्या परेशान है कि कब हरे मटर की चाट बने और हम खाएं, तो इधर देखो हमने ढक दिया है ढक्कन से, तो टमाटर जल्दी ही गल जाएंगे फ्रेंड्स। और मीडियम आंच रखना है फ्रेंड्स, और एक बार आप लोग चाट बनाना ज़रूर। अब हम ढक्कन को खोल देते हैं फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से फिर से चला देंगे, और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे इसी में, तो नमक को भी हमने ऐड कर दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चाट जल्दी तो बनती ही है और स्वादिष्ट भी बहुत ही लगती है, और टमाटर थोड़े ज़्यादा ही डालो तो अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी लगती है बढ़िया। और तो अब हम इसको टमाटर नमक डालने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको फिर से ढक दिया है, मटर की फास्ट बना रहे हैं 5 मिनट में, टाइम नहीं लगना चाहिए ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हमारा टमाटर देखो पक चुका है, पूरा मसाला अच्छे से हो गया है, और इसमें हम कुछ हल्दी हल्दी कुछ नहीं डालेंगे, केवल ओनली टमाटर जीरा हींग यही चीज है। और अब हम डालेंगे फ्रेंड्स मटर को, तो मटर को भी ऐड कर देंगे, और ये आप 1-2 बार सर्दियों में ज़रूर बनाएं, हम तो 4-5 दिन में फ्रेंड्स बना ही लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मटर की चाट सबको बहुत पसंद है और जल्दी भी बन जाती है, 5 मिनट का काम है।
तो इसको फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर देंगे पूरी चाट को अच्छे से। इस तरह सब में फ्लेवर पहुंच जाना चाहिए नमक का। तो अब हम करते हैं कुकर के ढक्कन को फ्रेंड्स बंद और दिखाते हैं, एक सीटी लगा लें इसमें फिर हम दिखाते हैं आपको। स्टार्ट और गैस का फ्लेम कर देंगे अब फुल। फ्रेंड्स हमने कुकर के ढक्कन को खोल लिया है, एक सीटी लगा ली है और अब इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे, फेंक के डाल देंगे हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हरा धनिया को। और अब करते हैं फ्रेंड्स चाट को सर्व। अरे ये खाने। अब हम मटर की चाट को कर लेते हैं फ्रेंड्स सर्व इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हमारी मटर की चाट बनके हो चुकी है रेडी गर्मा गर्म, और इसके साथ साथ आप लोग अदरक वाली चाय बनाओ। और ये देखो कुछ इस तरह से बनी है, आ जाओ आप लोग भी खा लो, एंजॉय करो, खाओ पियो एंजॉय करो।